नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में देवगढ़ मंदिर, क्षेत्रपाल मंदिर, अटा मंदिर, बड़ा मंदिर, बाहुबली जी मंदिर आदि काफी प्राचीन जैन मंदिर होने के कारण यहाँ हर साल काफी हर्षोल्लास के साथ महावीर जयंती मनाई जाती रही है। समता, समानता और जियो और जीने दो का संदेश देने वाले भगवान महावीर की जयंती पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी एवं जैन धर्मगुरु द्वारा घर में समारोह मनाने के जो संदेश दिए गए, उसका असर ललितपुर में भी दिखाई दिया। इस बार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी के 2619वें जन्म कल्याणक महोत्सव पर्व पर लॉकडाउन के चलते भी श्रद्धालुओं में जोश की कमी नज़र नहीं आई। मंदिरों में तालाबंदी एवं शोभा यात्रा की मनाही के चलते जैन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों द्वारा घर पर ही ताली, थाली, रंगोली, दीप प्रज्वलन कर महावीर जयंती मनाई गई। घर के अंदर महावीर भगवान का पूजन कर टीवी के माध्यम से ऋषि मुनियों के प्रवचन सुने गए। वहीं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एकजुटता का परिचय दिया गया। इस दौरान जियो और जीने दो के नारे को बुलंद करते हुए जैन समाज के निजी डॉक्टर्स द्वारा गरीब बस्तियों में जा जाकर लोगों को महावीर जयंती के अवसर पर खाद्य सामग्री वितरित की गई। सभी देशवासियों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान महावीर का 2619वां जन्म कल्याणक है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए हम सभी ने हमारे गुरु प्रमाण सागर जी के आदेश पर घरों में ही महावीर जयंती को मनाने का फैसला किया और सभी लोग सुबह से ही घर में महावीर जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमें बहुत आनंद आ रहा है। हम चाहते हैं उनके सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, सियो और जीने दो का सभी लोग पालन करें, अपने जीवन में उनको निभाएं, तो इससे आपकी आत्मा का कल्याण होगा, सारे विश्व का कल्याण होगा। उनके जो चार सूत्र थे, अहिंसा, अनेकांत, स्वाध्याय और अपरिग्रह, इन सभी को अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। और भगवान महावीर ने कहा है कि हम ऐसे कर्म ही ना करें जिससे कोई संकट आए, तो साइंस के उस सिद्धांत पर है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम पुनः इसी कामना के साथ भगवान महावीर की कृपा होगी और हमारा देश इस कोरोना संक्रमण से जल्दी ही मुक्त हो जाएगा। जय महावीर, जय महावीर, जय हिंद, जय हिंद। आप सभी देशवासियों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पहली बार घर में ही महावीर जयंती मना रहे हैं। हम सभी को बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्द कोरोना संक्रमण से सभी लोग मुक्त हो जाएं। धन्यवाद। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।